हाय दोस्तों, तो पिछले कुछ 2-3 महीने से इतने सारे फोन लॉन्चेस चल रहे थे और किसी प्रोडक्ट के बारे में वीडियो ही हम बना नहीं पा रहे। अब आप में से काफी लोग पूछ रहे थे भाई गैलेक्सी M42, वीवो V21 का कंटेंट कहाँ है। देखो वो फोन अभी आए नहीं है मेरे पास और पिछले फोन की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी शायद, पर जब वो आएंगे उनका भी पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। बट अभी थोड़ा मौका मिल गया मुझे कुछ बढ़िया ऑडियो प्रोडक्ट्स टेस्ट करने का। क्रॉस लूप जेन और ट्रू के 2 ब्रांड न्यू ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं। तीनों ही बहुत ही अच्छे से ऑप्शन है, तीनों बढ़िया प्राइसिंग में आपको मिल रहे हैं। तो काफी सारी टेस्टिंग कर ली मैंने इनकी, काफी सारी चीजें बताने वाला हूं इनके बारे में। अगर आप एक बढ़िया ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ढूंढ रहे हो बजट रेंज में, ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉस लूप जेन से। सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब इनका जो प्राइस है 4,000 रुपए है, लेकिन इस टाइम फ्लिपकार्ट पे 2500 के अराउंड आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पे बॉक्स कंटेंट पहले आपको दिखाता हूँ, तो काफी अच्छा लगा यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस। अंदर आपको एक बढ़िया पाउच मिल जाता है, कैरिंग केस मिल जाता है, साथ में वारंटी कार्ड है, चार्जिंग केबल है और आपकी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं। तो पहले इस केस की बात कर लेते हैं। हमारे पास ये बढ़िया सा वुडन वाला कलर है और ये एक्चुअल वुड नहीं है वैसे, बस ऊपर से एक रबराइज्ड स्टिकर टाइप लगाया गया है। ये भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेटालिक मेश वाला डिजाइन है, बट ये एक्चुअली ऊपर से कुछ कपड़ा सा लगा हुआ है। आई थिंक ओवरऑल प्लास्टिक बॉडी है यहाँ पे, पर बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी लग रही है। हल्की प्लास्टिक का यूज यहाँ पे नहीं किया है क्रॉस लूप ने, और बस एक चीज है कि थोड़ा बड़ा है ये केस। तो अगर आपको बहुत छोटे केस पसंद है वो वाले साइज का ये नहीं है। पीछे की साइड हमारा चार्जिंग पोर्ट है, साइड में एक LED इंडिकेटर है चार्जिंग के लिए, और इसको ओपन क्लोज करना थोड़ा सा टफ है एक हाथ से, आपको दोनों ही हाथ यूज करने पड़ेंगे। अब इन ईयरबड्स के बारे में खास बात क्या है ये आपको अंदर डब्बा खोलते ही पता चलेगा। साइड में आपको ईयरबड्स अपने रखे हुए मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड पे ये आपको मिल रहा है एक छोटा सा स्पीकर, और काफी सिंपल तरीके से काम करता है। अगर आपने ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लगा रखे हैं आपको इनको बस वापस बॉक्स में डालना है, लिड आपको बंद करनी है और आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा। आपने देखा कैसा साउंड आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। फोन के स्पीकर से डेफिनेटली काफी ज्यादा लाउड, काफी ज्यादा बेटर है। हालांकि जो छोटे ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं शाओमी वगैरह के, उस लेवल का डेफिनेटली नहीं है, बट फिर भी साइज के हिसाब से काफी अच्छा लगा मुझे और डेफिनेटली काम आएगा अगर आप दोस्तों के साथ बैठ के कुछ देख रहे हो या फिर आउटडोर्स में अगर आप यूज करना चाहते हो। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। स्पीकर अगर आप यूज करोगे तो लगभग आपका 1 घंटे के अराउंड पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा केस। वैसे स्पीकर यूज नहीं करोगे तो बैटरी लाइफ अच्छी है, इसमें आप ईयरबड्स को 4 बार फुल चार्ज कर सकते हो और ईयरबड्स एक बार में 4 से 5 घंटे आपका प्लेबैक टाइम दे देंगे। ईयरबड्स की बात भी आप कर लेते हैं तो नॉर्मल इन ईयर टाइप यहाँ पे डिजाइन है, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा फैंसी डिजाइन नहीं है, बट कान में फिट यहाँ पे बढ़िया हो जाती है। यहाँ पे टच कंट्रोल हमें नहीं मिलते हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर बटन मिलते हैं ईयरबड्स के बाहर और काफी अच्छा काम करते हैं। सिंगल टैप से प्ले पॉज होता है, डबल टैप करके आप गाना आगे पीछे कर सकते हो और गूगल असिस्टेंट आप कॉल कर सकते हो ट्रिपल टैप से। अब मेन चीज आ जाती है कि साउंड क्वालिटी जो यहाँ पे है, जो ईयरबड से हमें साउंड मिल रहा है काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ऐसा कोई हाई क्वालिटी कोडेक का यहाँ पे सपोर्ट नहीं है और ऐसा कुछ बहुत ही नेचुरल ट्यूनिंग भी यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी सी बेस हैवी यहाँ पे ट्यूनिंग है, लेकिन अगर आप बॉलीवुड गाने सुनते हो, पॉप गाने सुनते हो या फिर बेस से भरे हुए वाले गाने आपको पसंद है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे साउंड पसंद आएगा। और अगर आप थोड़े ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स वाले, ज्यादा वोकल्स वाले गाने सुनते हो, रॉक वगैरह, तो भी यहाँ पे काफी अच्छा हैंडल कर लेता है साउंड को। पर ऑब्वियसली अगर आपको बेस पसंद नहीं है ज्यादा तो फिर वो बेस हैवीनेस शायद आपको थोड़ी बुरी लग सकती है, पर मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को ये साउंड डेफिनेटली पसंद आने वाला है। अब देखो वीडियोस वगैरह आप इस पे देख सकते हो, वहां पे ज्यादा आपको लिप सिंक में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हां गेमिंग में यहां पे अच्छी खासी लेटेंसी है साउंड में। गेमिंग आपको इस पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। उसके अलावा कॉलिंग के लिए ये ओके है, नॉर्मल सिचुएशंस में डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉल सैंपल भी आपको एक बार सुना देता हूँ। तो अभी आप सुन सकते हो क्रॉस लूप जेन के माइक के थ्रू मेरी आवाज। यहाँ पे वैसे मैं रूम के अंदर ही बैठा हूँ, हालांकि एसी चल रहा है मेरे मुंह पे, अभी हवा भी आ रही है तो थोड़ा सा हमें ये भी पता चल जाएगा नॉइज कैंसिलेशन ये कैसे कर रहा है। तो ये है क्रॉस लूप जेन, और यहाँ पे जो मुझे अच्छी लगी चीज की ईयरबड से जो साउंड परफॉर्मेंस है काफी अच्छी है, प्लस ये एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल रहा है स्पीकर वाला, ये एक काम की चीज मुझे लगा। नेगेटिव्स की बात करूं तो गेमिंग आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, और एक चीज जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगी, जैसे आपको बताया था कि ईयरबड जब आप इसमें डालते हो तो यहाँ पे स्पीकर ऑन हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि जब आपने ईयरबड इसमें डाल के रख दिए हैं, इसको बंद कर दिया है, तो भी ये आपके फोन से कनेक्टेड रहता है स्पीकर की तरह। जैसे बाकी ईयरबड्स में क्या होता है कि आपने उनको जैसे ही बॉक्स में डाला, बंद किया, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप। तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो आपको अलग से इनको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फोन से, या फिर आपको फोन का ब्लूटूथ बंद करना पड़ेगा, वरना ये कनेक्टेड
रहता है और इसके चक्कर में एक दो बार ऐसा हुआ है कि पड़े पड़े इसकी बैटरी पूरी खत्म हो गई है और मुझे पता भी नहीं चला। तो ये एक चीज थोड़ी इरिटेटिंग है, पर इसका अगर आप ध्यान रख लोगे तो उसके अलावा मुझे लगता है 2500 के हिसाब से डेफिनेटली अच्छी डील है। अगर 2500 भी आपको स्पेंड नहीं करने हैं तो 1500 बजट के लिए दो बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं, TrueBuds Q1, TrueBuds S1। पिछले साल भी मैंने True के एक ईयरफोन्स का रिव्यू किया था, उस टाइम मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है मुझे प्रॉपर कितना इंप्रूवमेंट किया गया है। बॉक्स कंटेंट्स दोनों में एकदम सेम है, आपको चार्जिंग केबल मिलती है और आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती है। अब ऊपर से देख के जो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, TrueBuds Q1 का छोटा है बॉक्स, TrueBuds S1 का थोड़ा बड़ा बॉक्स है। इससे दो फायदे मिलते हैं आपको TrueBuds S1 पे, एक तो ये बढ़िया सा स्लाइडिंग मैकेनिज्म आपको मिलता है जो काफी कूल लगता है, TrueBuds Q1 में नॉर्मल खुलने वाला बॉक्स है। उसके अलावा S1 में आपको केस बैटरी भी थोड़ी बड़ी मिलती है 500 mAh की, TrueBuds Q1 में 400 mAh की है, तो इससे आप मान सकते हो एक एक्स्ट्रा चार्ज आपके ईयरबड्स को मिल जाएगा यहाँ से। खैर ईयरबड्स पे आ जाते हैं तो ये तो बिल्कुल ही सेम है, मतलब इन दोनों को आप एक दूसरे के डब्बे से निकाल के दूसरे डब्बे में डाल सकते हो, बढ़िया ये फिट हो जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है लेकिन डेफिनेटली चीप नहीं लगती है। सबसे अच्छी बात है इन ईयर डिजाइन आपको मिलता है तो बढ़िया फिट यहाँ पे आपको मिलती है, इनको लगा के भाग दौड़ भी कर लोगे, कूद ही मारोगे तो भी गिरने नहीं चाहिए कान से। अब इन दोनों ईयरबड्स की खासियत है दोनों के केस में आपको एक LCD स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको केस की बैटरी परसेंटेजेस और थोड़ी बहुत एनिमेशन दिख जाती है। अगर फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें टच कंट्रोल मिलते हैं, तो सिंगल टैप से आपका प्ले पॉज हो जाता है और लॉन्ग प्रेस करके आप गाना नेक्स्ट कर सकते हो, और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिले होता हुआ दिखा बट फिर भी काफी अच्छा काम करते हैं टच कंट्रोल्स। बात करते हैं लेटेंसी की, तो वीडियो वॉचिंग में आपको कोई लेटेंसी फील नहीं होगी। ट्रूक वैसे बोल रहा है कि ये लो लेटेंसी वाले हैं गेमिंग के लिए, लेकिन एक्चुअली गेमिंग के लिए मैं इनको उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि लेटेंसी यहाँ पे है अच्छी खासी। इनफैक्ट अगर आप ऐसे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ढूंढ रहे हो जिसपे आप गेमिंग कर पाओ अच्छे से तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। और बाकी भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है साउंड क्वालिटी वगैरह दोनों पे ही एकदम सेम है, तो मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ। तो देखो पिछले साल के जो ट्रू ईयरबड्स थे उनसे मैं उतना खुश नहीं था, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली काफी इंप्रूव करी गई है साउंड क्वालिटी। 10mm का आपको ड्राइवर मिलता है, लाउडनेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब 80-90% से ऊपर मैं सुन ही नहीं पा रहा था। बेस जो यहाँ पे मिल रहा है अच्छा है वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कहीं कहीं पे आपको थोड़ा खाली सा फील हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो वोकल वगैरह हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वही बात है कि थोड़े से ज्यादा श्रिल साउंड करते हैं, स्पेशली अगर आप वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा बढ़ा दोगे तो कानों में चुभने लगते हैं वो। पर अगर आप नॉर्मल म्यूजिक सुनते हो बॉलीवुड पॉप EDM ये सब, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पसंद आने वाला है। हालांकि वही बस याद रखना कि सस्ते ईयरफोन्स हैं ये, तो ऐसे बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस मत एक्सपेक्ट करना। अब आप सुन सकते हो TrueBuds S1 के थ्रू मेरा कॉल रिकॉर्डिंग का एग्जांपल, जैसे सेम रूम में हूं मैं, ज्यादा कुछ शोर नहीं है, हालांकि हवा मेरे मुंह पे आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कॉल क्वालिटी है, मैंने सुना रहा है, आप मुझे बताना कैसी लगी आपको ये। TrueBuds Q1 स्टार्ट हो जाते हैं आपके 1299 से 1300 रुपए के, TrueBuds S1 आपको 1499 के मिलेंगे। अब अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज्ड हो तो देखो, अगर आप स्पेंड कर सकते हो 1500 एक्स्ट्रा तो TrueBuds S1 ही आप ले लो, थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन आपको मिल रहा है, थोड़ी लंबी बैटरी लाइफ भी मिल रही है। जो परफॉर्मेंस है वो सारी Q1 में भी आपको एकदम सेम मिल रही है, प्लस यहाँ पे थोड़ा छोटा डिजाइन भी है, तो शायद ये भी आपको पसंद आ सकते हैं। अब दोनों में ही अच्छी बात ये है, दोनों में ही टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, काफी अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा बैटरी लाइफ की बात करूं तो ईयरबड्स आपके एक बार में 4 से 5 घंटे चल जाएंगे अगर आप अच्छी वॉल्यूम पे सुनोगे, थोड़ी कम करोगे वॉल्यूम तो और लंबे चल जाएंगे। और चार्जिंग केस से आप Q1 में चार्ज कर सकते हो 3 से 4 बार और S1 में आप समझ लो 4 से 5 बार आप चार्ज कर पाओगे। तो यही है TrueBuds Q1 और S1 की कहानी, काफी अच्छे लगे मुझे, काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है ट्रूक ने, और इनको डेफिनेटली आप खरीद सकते हो अंडर 1500 प्राइस के हिसाब से। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है ट्रू वायरलेस ईयरबड्स पे और आपको थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद साउंड चाहिए तो आप Realme Buds Q जैसे ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। और क्रॉस लूप जेन तो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और होप कर रहा हूं मैं ऐसे वाले कुछ हमें और ऑप्शंस बाकी ब्रांड से भी देखने को मिले। पर खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, आप बताओ कैसे लगे आपको ये तीनों ऑप्शंस, और आप इनमें से कोई खरीदना चाह रहे हो या कुछ और सवाल अगर आपके मन में है नीचे कॉमेंट कर सकते हो, आप ट्विटर पर आकर मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं होप करता हूं आप सेफ हो, आपकी फैमिली सेफ है इस टाइम, कुछ भी आपको जरूरत हो माई स्मार्ट प्राइस हैंडल को आप टैग करके बोल सकते हो, नीचे आपकी मदद के लिए कुछ लिंक्स भी मैंने डाले हुए हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।